कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम सर, यहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हमारे आधे से ज्यादा सिपाही शहीद हो चुके हैं, बाकी बच्चे सभी घायल हैं। दुश्मनों की संख्या हमसे 4 गुनी ज्यादा है। बैकअप टीम भेजा जाए सर, बैकअप टीम भेजा जाए। वो लोग हमारे हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं। ओवर एंड आउट। कुलदीप, 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 कुलदीप सर, कुलदीप सर, कुलदीप सर, हम मरना नहीं चाहते सर, हमको घर जाना है सर। मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है सर, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी सर। सर हम जा रहे हैं सर, हम जा रहे हैं। रोशन सिंह, रोशन सिंह, रोशन सिंह, रोशन सिंह, रोशन सिंह, रोशन सिंह, कुलदीप के बारे में जानते हो? परसों इसकी शादी हुई थी और आज ये शहीद हो गया। अगर ये चाहता तो इस जंग के मैदान में ये नहीं आता, क्योंकि ये छुट्टी पर था। फिर भी ये हथियार लेकर जंग के मैदान में उतर पड़ा, पता है क्यों? क्योंकि अगर ये आम इंसानों की तरह जीवन के सुख का आनंद लेता तो हिंदुस्तान का कोई भी शख्स चैन की नींद नहीं सोता, और तुम भाग रहे हो। इसको देखो, कल इसकी छोटी बहन की शादी है और ये अपनी बहन से वादा करके आया है कि ये उसकी शादी में शामिल होगा। अगर सब अपने अपने परिवार के बारे में, अपने अपने सुख के बारे में सोचने लगे तो हिंदुस्तान की, भारत माँ की लाज कौन रखेगा? और अगर फिर भी तुम घर जाना चाहते हो तो जाओ, और जाकर अपनी मां को बोलना कि उसने एक कायर और भगोरे औलाद को जन्म दिया है, जिसने अपने भाइयों को जंग के मैदान में मरने के लिए अकेला छोड़कर चलाया है। जाओ, 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 जाओ। भाईजान, हमें लगता है हिंदुस्तानी फौजी पीछे हट रहे हैं, कोई जवाबी फायरिंग नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान में घुसने के लिए इससे अच्छा मकाम को नहीं मिलेगा। इंतजार किस बात का? चलो फिर। कुंदन सिंह, तुम्हें सभी गन से फायरिंग करना है ताकि उन्हें लगे कि हम अभी बहुत सारे हैं। रोशन सिंह, तुमको कुछ नहीं होगा, आंख बंद मत करो, आंख बंद मत करो, आंख खुला रखो रोशन सिंह। सर, सर, जब हमारे घर जाइएगा हमारी माँ को जरूर बताइएगा, उसका बेटा घायल नहीं था, पीठ पे नहीं, सीने पे गोली खाया था। और हाँ सर, माँ का आंख का ऑपरेशन करवाना था, करवा दीजिएगा। पैसा, हाँ, ये लीजिए कार्ड सर, पैसा निकाल लीजिएगा। और हाँ सर, उसको समय पे खाना खिला दीजिएगा। वो पगली मुझे खिलाए बिना खुद नहीं खाती है सर। और रोशन, 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 लगता है एक और फौजी मर चुका है भाईजान। वो लोग लगता है कमजोर पड़ चुका है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर, फायर! रामजादे हिंदुस्तानी, लगता है हमें ऐसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमें प्लान बना के इसे घेरना पड़ेगा। सुनो, जाओ, you
मेजर, तुम्हारे एक सिपाही हमारे कब्जे में है। अगर तुम इसकी शहादत नहीं देना चाहते तो खुद को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो उसकी पत्नी, विधवा और बच्चे भी निर्वासित हो जाएंगे। राज, ये खत्म। क्या सोचे हो मेजर? हम तुम्हें मारेंगे नहीं, डरो मत। बस अपने सीक्रेट कैंप के बारे में हमें बता देना। जान बख्शते की तुम्हारी। लगता है इन हिंदुस्तानियों को इनके फौजी के मरने का दुख नहीं होता। चलो ये भी ठीक है। जनाब खत्म कीजिए इसे। जी जनाब। अरे 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 मियां, आप भी ना इस छोटे से कीड़े मकोड़े को मारने के लिए अपनी बंदूक की गोलियां क्यों वेस्ट कर ली? कुछ और तरीका अपनाइए, मारिए इसे। चलो ये भी ठीक है। आखिर तुम हिंदुस्तानी हम पाकिस्तानियों के सामने झुक ही गए, और इसलिए तो पाकिस्तान को बाप कहा जाता है, बाप। थोड़ी गलत जानकारी मिली है आपको भाईजान। बाप तो बोला जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को, वो भी पाकिस्तान का। गुस्सा मत होइए भाईजान। अरे ऐसा हम नहीं बोल रहे, अब पूरी दुनिया बोलती है तो इसमें हम क्या करें? जनाब, इससे जो काम लेना काम लीजिए, वरना इसे जहन्नुम भेजिए। क्या हमको मार दोगे? फिर से तुम पाकिस्तानी धोखेबाज निकले। पहले बोले कि हम सरेंडर कर देंगे तो हमको जिंदा छोड़ दीजिएगा, नहीं मारिएगा, और अभी मारने की बात कर रही है, क्या बात हुई? वैसे हम हिंदुस्तानी फौजी मरने से नहीं डरते। अच्छा, तो बाहर क्यों आए? मारने।